कुमार देवका के प्रति मैं अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहूं कि जब कुछ बढ़ता था, पहली बार स्वास्थ्य का शिविर पोदार जी ने लगाया, मोतीलाल केदान जी हमको बुला करके कहते थे कि आप कुछ बोलते तो है नहीं, हमने कहा क्या बोलना है। देखिए इसमें अध्यात्म रखा गया, अध्यात्म अधि उपसर्ग है, अपने भीतर प्रवेश करना अध्यात्म है। अध्यात्म और धर्म में अंतर होता है मेरे भाई, और ये पढ़े लिखे लोगों ने जब अध्यात्म शब्द रखा था, इसका मतलब ये था कि हम अपने को ठीक से संवारेंगे, और गायत्री परिवार का वो नारा हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। एक व्यक्ति अगर आध्यात्मिक बन जाता है तो उसके अगल बगल के सब लोग धार्मिक बन जाते हैं। ध्यान रखिए, क्रिया को धर्म कहते हैं, समझ को अध्यात्म कहते हैं। तो पहली बात मेरी ये है, शिकायत के तौर पर सुंदरकांड बहुत दिन हुआ, लेकिन मैं जरा कह रहा हूँ आप लोग नाराज ना होना, ना तो सुंदरकांड का उच्चारण ठीक हुआ और ना उसका अर्थ आज तक कोई जाना। पहले मैं प्रत्येक मंगलवार को आता था और 5 चौपाई का अर्थ करता था, बाद में लोगों को लगा इस समय ज्यादा निकल जाता है और 35-45 मिनट के क्रम में इसको बंद किया गया। तो मेरी एक प्रार्थना है कि जो भी यहाँ से किया जाए उसको थोड़ा समझें, इससे आपका अध्यात्म विकसित होगा। सुंदरकांड बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अभी भी जब पाठ करते किसी को देख लो तो पढ़े लिखे आदमी को लगता है यहाँ गलत बोलता है, और आप किसी से कहो कि मैं तो इतने वर्षों से कर रहा हूँ, उसको विश्वास नहीं होता। दिल्ली में एक ऐसी संस्था है जिसने सुंदरकांड लगभग 11-12 साल से वो लोग भी कर रहे हैं, और इस बार उनके एक बड़े फंक्शन में मुझे भी बुलाया था तो ये सुनने का अवसर मिला कि हम लोग सुंदरकांड को समझें और समझ करके उसके अनुसार थोड़ा आचरण करें, ये ज़्यादा काम की बात हो। तो अध्यात्म पर ज़्यादा जोर दिया जाए, मुझसे नाराज ना होना, धर्म पर नहीं। इन्हें कहिएगा कि धर्म के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। धर्म जो है आजकल धीरे धीरे बड़ा, क्या मैं कहूँ, नाराज ना हो आप, मैं कहूँ कि बिगड़ते जा रहा है। इसलिए अध्यात्म मूल है, अब यही योग के साथ हो रहा है। मैं संरक्षक हूँ इसलिए बोलने का अधिकार है, नाराज मैं हूँ। योग आसन से शुरू करते और संयम नियम बिगड़ गया। आप बताइए कि संयम नियम बिगड़ने के बाद योग का लाभ होता है कुछ? हाँ नहीं। पतंजलि का पहला योग सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त बोलते हैं जो भीतर प्रवेश करे और मन बोलते हैं जो बाहर दौड़े। तो संयम नियम की कोई चर्चा नहीं होती, कोई क्लासेस नहीं होता है। पहले भी जब योग चल रहा था तो हमने कहा संयम नियम की, बोले नाना उसे कोई सुनता नहीं। तो आप अध्यात्म से अध्यात्मिक सत्संग समिति में कर रहे हैं तो थोड़ा संयम नियम पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अष्टांग योग के ये दो प्रधान धरातल हैं जिसके बिना योग की धारा आगे नहीं बढ़ सकती। और सारी बातों की चर्चा तो हो गई, कथा के जो अभी बता रहे थे कि 2 कथा के लिए हम प्रतिबंध थे, 3 महीने पर अथवा 6 महीने पर, और एक बड़ी कथा, उसमें यही सोचा गया था कि ज्ञान की वृद्धि होगी, अध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रश्न था। तो हम कितना भी विस्तार करें लेकिन उसमें हमारा आध्यात्मिक लाभ हो, इसकी चर्चा विशेष होनी चाहिए, और उसमें केवल अध्यक्ष की जरूरत नहीं है, सबकी जरूरत है। दूसरी और तीसरी बात हम जरा खुल के बोल रहे हैं, माफी मांग कर। अभी रायबरेली में मेरी कथा थी और वहां भी लगभग 20 वर्षों से भोजन कराने की परंपरा चल रही थी। वहां के पढ़े लिखे लोगों ने, डॉक्टर मेरे वहां के बड़े डॉक्टर मुख्य यजमान थे, तो पढ़े लिखे लोग आए और बोले आप मंच से बोलिए
कि एक ही आदमी रोज आकर के वहां रोज खिलाते हैं, इससे क्या हो रहा है कि अकर्मण्यता बढ़ रही है, और जो रोज खाता है उसको रोक दीजिए तो लड़ाई करता है। तो हम किसके लिए भोजन करा रहे हैं इस पर थोड़े निगरानी होनी चाहिए बौद्धिक दृष्टि से, क्योंकि ऐसे रोका जाएगा तो झगड़ा बिल्कुल संभव होगा।